हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको भारतीय रेलवे में जो लोकोमोटिव यूज किए जाते हैं उनमें जो एक अल्फाबेट और डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, उस कोड का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ। मैं एक लोकोमोटिव का जो अल्फा न्यूमेरिक कोड लिखा है उस कोड को ले लेता हूँ। जैसे ये WDM3A, इस तरह से एक लोकोमोटिव पे ये कोड लिखा हुआ है। इस कोड का क्या मतलब होगा, W का मतलब क्या होगा, तो मैं इसको बता रहा हूँ। तो W यहाँ पर जो यूज किया गया है वो गेज से यूज कर कह सकते हैं, या फिर हम इनको सर्विस गेज भी कह सकते हैं, सर्विस गेज। डी हो जाएगा जो है हमारा पावर या ट्रैक्शन जो यूज की गई है, तो पावर कह सकते हैं या फिर जो ट्रैक्शन यूज की गई है वो हो जाएगा। एम हमारा मतलब हो जाएगा लोड, किस तरह के लोड के लिए, या फिर हम उसी को कह सकते हैं सर्विस टाइप या ट्रैफिक टाइप, किस ट्रैफिक के लिए या किस सर्विस के लिए यूज किया जा रहा है, ये हो जाएगा। और जो तीसरा जो हमारा है ये क्लास हो जाएगी, लोकोमोटिव की क्लास हो सकती है, या फिर हम इसको पावर कह सकते हैं, पावर रेटिंग भी बोल सकते हैं। जो ए है ये हमारा सब टाइप हो जाएगा, या फिर हम इसको आर्बिट्री, कुछ भी अलग सा हो सकता है ये, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया हो गया। अब हम सबसे पहले फर्स्ट जो लेटर है इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट लेटर इसका क्या मतलब होगा, फर्स्ट लेटर में हमारा देखिए कौन कौन से वर्ड हो, डब्ल्यू हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, और हमारा एन हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेटर जो है वो गेज के लिए यूज किया जाता है। तो डब्ल्यू हो जाएगा ब्रॉड गेज के लिए, ये ब्रॉड गेज हो गया। ब्रॉड गेज आपको पता है 1676 mm का हमारा ब्रॉड गेज होता है। ये हो जाएगा हमारा मीटर गेज के लिए, मीटर गेज कितना होता है 1000 मीटर, हमारा मीटर गेज हो गया। उसके बाद हो गया हमारा नैरो गेज, ये हो जाएगा हमारा 2 फिट 6 इंच, और ये भी हमारा नैरो गेज, तो ये हो जाएगा हमारा 2 फिट। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट लेटर का मतलब। अब सेकंड लेटर जो हमारा उसकी बात कर लेते हैं। सेकेंड लेटर का क्या मतलब होगा, सेकेंड पे हमारा डी है, तो यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो सेकेंड लेटर में हमारा जैसे डी हो सकता है, तो ये हो जाएगा, अगर डी हमारा होगा तो डीजल लोकोमोटिव से हो जाएगा, डीजल लोकोमोटिव। अगर हमारा यहां पर ए लिखा है तो ये हमारा एसी लोकोमोटिव हो जाएगा, एसी लोको रनिंग ऑन 25,000, जिसे हम 25 केवी भी बोल सकते हैं, 50 हर्ट्ज एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारा ए का मतलब हो जाएगा, यानी ए हो गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट 25 केवी। उसके बाद अगर हमारा सी है तो ये भी हमारा हो जाएगा लोको रनिंग ऑन 1500 वोल्ट डीसी पावर। अगर इसकी जगह हमारा सीए हो जाएगा तो ये हो जाएगा लोको रनिंग ऑन बोथ एसी एंड डीसी पावर। ये दोनों ही हमारे जो लोको हैं ये मुंबई एरिया में मिलते हैं, मुंबई के आसपास का जो एरिया है, या लोकल जो ट्रेन हम कह सकते हैं मुंबई एरिया में फाउंड किए जाते हैं, मुंबई के आसपास के एरिया में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगर यहां पर हमारा बी अगर मिलता है तो ये हो जाएगा लोको रनिंग ऑन बैटरी, लोको रनिंग ऑन बैटरी, ये हो गए हमारे सेकेंड लेटर के सारे मतलब। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड लेटर जो हमारा था। थर्ड लेटर पे मैंने आपको लिखा था क्या था, थर्ड लेटर एम, तो एम देख लीजिए, एम की जगह क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर हमारा पी हो सकता है, पी हो जाएगा, जी हो जाएगा, एम हो जाएगा,
एस हो जाएगा, यू हो जाएगा और हमारा हो जाएगा आर, ठीक है। तो पी हो जाएगा पैसेंजर के लिए, जी हो जाएगा गुड्स के लिए, मालगाड़ियों के लिए, एम हो जाएगा मिक्स्ड यानी पैसेंजर एज वेल एज गुड्स हो जाएगा, और एस हो जाएगा हमारा लो पावर्ड सेंडिंग लोको। यू जो है वो किसके लिए हो जाएगा, तो यू जो है वो ईएमयू रैक के लिए हो जाएगा, ईएमयू यानी लोकल ट्रेन में जो पावर लगेगा लोकल ट्रेन के लिए हो जाएगा, और आर हो जाएगा रेल कार के लिए। तो ये हमने थर्ड लेटर पे जो जो अल्फाबेट यूज हो सकते हैं, लेटर यूज हो सकते हैं, वो मैंने बताया। अब हम फोर्थ पे बात कर लेते हैं। फोर्थ में हमारा एक नंबर था जो हमारी क्लास या पावर रेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमारा अगर थ्री है तो ये हमारा 3000 HP, फोर है तो 4000 HP, इस तरह से, या इसको हम क्या कहें तो ये हो जाएगा लोको विथ इंजन हैविंग 3000 to 4000 HP, इस तरह से। यानी थ्री अगर लिखा है तो उसका मतलब ये हो जाएगा, फोर लिखा हो तो 4000 से इनके बीच में हो जाएगा। तो ये हमारे फोर्थ के हो गए। अब हम इसको समझ लेते हैं कि नेमिंग किस तरह से होगी। देख लिए, मैं एक आपको लिख के दिखा देता हूँ कौन कौन सी। जैसे मैंने लिखा डब्ल्यू डी, जो हमारा ये नंबर था इसी का बता देता हूँ, WDM3A, तो ये हो जाएगा ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव फॉर पैसेंजर एंड गुड्स विथ 3000 HP। इतना अभी तक मैंने आपको बता दिया। अब रह गया हमारा ये जो पांचवा लेटर है, ये सब टाइटल या रेटिंग बताएगा। तो जो हमारे ये थ्री सीरीज वाले जो हैं उनके लिए ये सब टाइप हो जाएगा। जैसे ए जो है तो थ्री के लिए देख लीजिए, आप मैं इसको एक एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे WDM3A से F तक हो सकता है, तो क्या मतलब होगा, ए हो जाएगा 100 HP, बी हो जाएगा 200 HP, सी हो जाएगा 300 HP, और इसी तरह से डी 400, ई 500 HP, एफ हो जाएगा हमारा 600 HP। तो देखिए यहां पे 3A था तो इसमें 100 HP जुड़ जाएगा, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 3100 HP हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये केवल थ्री वाली सीरीज के लिए है। अब इसका और दूसरा मतलब क्या हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिखा WDM2A, यहां पे देखिए ब्रॉड डीजल मिक्स्ड यानी पावर पैसेंजर और गुड्स 2000 हो जाएगा, और ए हो जाएगा विथ एयर ब्रेक सिस्टम। तो इसका मतलब है WDM2 विथ एयर ब्रेक सिस्टम, ये इसका मतलब हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं WDP4D, तो यहां पे हो जाएगा WDP4 लोको विथ ड्वेल कैप, जो ड्राइवर के लिए होती है वो दोनों डायरेक्शन हो जाए तो ड्वेल कैप हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से देखे। अब कुछ अदर्स नेम ले लेते हैं। WAP4, इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्थ, यहां पर फोर्थ वर्जन AC इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ब्रॉडगेज लोको फॉर पैसेंजर। आप कैसे इसको समझेंगे, देखिए W मैंने आपको बताया ब्रॉड गेज होता है, A हो जाएगा AC, P हो जाएगा पैसेंजर के लिए, फोर्थ हो जाएगा इसका वर्जन या क्लास, ठीक है। तो ये AC के लिए हमारा
जो ए जो है जिनमें डीजल के, डीजल के लिए तो हमने बताया कि इसमें पावर हो जाएगी, जो हमारे अल्टरनेटिंग या एसी वाले कोच हैं, इलेक्ट्रिक वाले हमारे लोको हैं, उनमें ये हमारी वर्जन हो जाएगा, तो फोर्थ वर्जन हो जाएगा। इसी तरह से अगर डब्ल्यू की जगह हम वाई कर देंगे तो वो हमारा किसके लिए हो जाएगा, मीटर गेज के लिए हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जेड कर देंगे तो हमारा नैरो गेज के लोको हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रेलवे में नैरो गेज और मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो हमें बहुत कम लोको मिलेंगे जिनमें वाई या फिर जेड लिखा होगा, ठीक है। या तो वो हमारे पास कहीं किसी म्यूजियम में वगैरह मिल सकते हैं, वरना हमें वो लोको रनिंग कंडीशन में शायद ही देखने को मिले, या जहां मीटर लाइन या हमारी नैरो गेज लाइन अवेलेबल है वहां पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।